हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, हमने जो विधानसभा में भी कहा वो यही बात है कि जो डीजीपी का जो बयान है वो नहीं मानते। कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्ष आए हैं, हमने भी देखी है, इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है। कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई। भारत सरकार का कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए हम बार बार कहेंगे, कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे आपको सावधान। बीजेपी अकाउंट पर एफआईआर करने की कार्रवाई की है, तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने पहले बोला कि तमिलनाडु पुलिस का मानना ये है कि वहाँ ऐसी घटना नहीं हुई। हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, हमने जो विधानसभा में भी कहा वो यही बात है कि जो डीजीपी का जो बयान है वो नहीं मानते बीजेपी। और कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्ष आए हैं, हमने भी देखी है, इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है। तो हम लोगों ने टीम भेजा है कि भाई सच क्या है, इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर केस हुआ है, कोई मुकदमा अगर एफआईआर हुआ है ट्विटर अकाउंट पर, तो बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। तो इसमें अगर सच्चाई है तो उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई, और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों की सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, तो दो जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं, कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमिडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है, तो सरकार वहाँ की जो है करवाई। बिहार के लोग वापस जा सकते हैं तमिलनाडु भी तो ठीक है, होली का त्यौहार है, वहाँ रहे हैं, वापस क्या वो जा सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं, एकदम जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा फेर के पूछे कि तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहे, देखो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा? तो देखिए, ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दो राज्यों का मामला है, तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार का कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना।